हेलो बच्चों, हाउ आर यू। इस वीडियो में बच्चों हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। और आपको पता है हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एपिडर्मिस दिखाऊंगा, रूट की, स्टेम की, लीफ की। तो बच्चों ये जो हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन है। और रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन में जरा ध्यान से देखो, ये आपको एक पिंक लेयर दिख रही होगी। ये क्या है? ये रूट की एपिडर्मिस है। और ये क्या है? ये रूट हेयर हैं। बच्चों मैंने कहा था ना कि जो रूट की एपिडर्मिस है वहाँ पे रूट हेयर होते हैं। व्हाट आर रूट हेयर? दे आर लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट हेयर? टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ एपिडर्मल सेल्स। और रीजन क्या है? क्योंकि रूट हेयर पानी अब्सॉर्ब करते हैं, मिनरल अब्सॉर्ब करते हैं और ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। ये एक डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है। और दोनों ही डायग्राम्स रूट के ट्रांसवर्स सेक्शन के हैं, रूट के स्लाइस काटे गए हैं और वहां पे आपको रूट हेयर दिख रहे हैं। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वही डायग्राम है जो आपकी किताब पे भी है, 11th की किताब पे भी है। इसका मतलब आपको 9th में 11th का सिलेबस भी बताया जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये स्टेम का डायग्राम है और स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है। और ये क्या दिख रहा है आपको बाहर वाली साइड पे? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस को क्या लगे हुए हैं? एपिडर्मल हेयर। बच्चों ध्यान से देखो, जैसे रूट के पास एपिडर्मल हेयर होते हैं, ऐसे ही स्टेम के पास भी एपिडर्मल हेयर होते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस आपको पता चला रूट एपिडर्मल हेयर्स में और स्टेम एपिडर्मल हेयर्स में। ध्यान से देखो, जो रूट के एपिडर्मल हेयर्स हैं वो एपिडर्मल सेलों का एक्सटेंशन है और यूनिसेलुलर हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो जो स्टेम के एपिडर्मल हेयर हैं वो मल्टीसेलुलर हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रूट हेयर्स ऑफ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट हेयर्स एंड स्टेम हेयर्स। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड स्टेम हेयर आर मल्टीसेलुलर। बच्चों अब हम बात करेंगे लीफ की। ये देखो बच्चों, ये लीफ का वर्टिकल सेक्शन है। लेकिन आपने तो लीफ कभी ऐसा देखा नहीं। ये इंटैक्ट लीफ नहीं है बच्चों, ये लीफ का वर्टिकल सेक्शन है। मतलब लीफ को पकड़ा गया है और उसको सीधे का सीधा वर्टिकली काट दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लीफ होता है उसका एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। जो अपर सरफेस होता है वहां पे अपर एपिडर्मिस होती है। हेयर इट इज। ये देखिए, ये जो पिंक पिंक नजर आ रही है ना आपको, ये जो पिंक लेयर नजर आ रही है ये है अपर एपिडर्मिस। और ये जो नीचे वाली पिंक लेयर नजर आ रही है ये है लोअर एपिडर्मिस। ओके, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, समझ गए बच्चों? तो इसका मतलब लीफ के दो सरफेस होते हैं और दोनों सरफेसेस के ऊपर एपिडर्मिस होती है। बच्चों जो डायग्राम आपने अपनी किताब में देखा था, वो जो एपिडर्मिस उसने दिखाई थी वो फ्लैट दिखाई थी। लेकिन अब आपको यहाँ सेक्शन के रूप में दिख रही है। वहाँ आपने कितने सारे स्टोमेटा देखे थे, यहाँ पे आपको एक सिंगल स्टोमेटा दिखाया जा रहा है, ये रहा। और स्टोमेटा का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और ये दूसरा डायग्राम है लीफ का, लीफ के वर्टिकल सेक्शन का। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लास्ट जो टॉपिक है टिश्यूज का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके लिए मुझे फिर से अपना जो 9th का चैप्टर है उसको फिर से निकालना पड़ेगा, 9th का चैप्टर नंबर 6। ये रहा बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसको आजकल हम देख रहे हैं। और हमने अभी पहुंचना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। और ये रहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
इसे हम कर देते हैं थोड़ा सा इनलार्ज ताकि बच्चों को आसानी से नज़र आ सके। तो ये है बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये लास्ट टिश्यू है जो हमारा बचा हुआ है प्लांट्स के केस में। तो बच्चों फिर से पुरानी बातें करते हैं, हमें पता है परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसके सेल डिवाइड नहीं करते। फिर हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू की दो टाइप हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और सिंपल परमानेंट टिश्यू की खासियत ये है कि उनके सारे सेल एक जैसे होते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके सारे सेल एक जैसे नहीं होते, उसके पास अलग अलग प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कहता कि अब तक हमने जो परमानेंट टिश्यू देखे हैं उनके सेल एक जैसे थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और उनको हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा था। कहता अब हम जिस परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके जो सेल हैं वो एक प्रकार के नहीं हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, और इन सेल्स के जो फंक्शन हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सारे सेल आपस में फंक्शन करेंगे और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बच्चों जैसे मैंने पहले भी बता रखा है आपने टेबल में, हमारे पास दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। बच्चों दोनों ही प्रकार के टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू है, दोनों ही प्रकार के टिश्यू का काम है कंडक्शन करना। सभी बच्चों को पता है, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, जो जाइलम होता है वो पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो फ्लोएम होता है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं बच्चों, ये स्टेम में, रूट में, लीफ में किसी खास जगह पे होते हैं, और जहाँ पे भी ये पाए जाते हैं उसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल। आइए पहले हम वैस्कुलर बंडल देख लेते हैं, ये वैस्कुलर बंडल क्या होता है। फिर हम उसी डायग्राम पे जाते हैं, वो जो डायग्राम हमारे पास है, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम। ये देखो बच्चों, ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम है जिसको हमने पहले भी कितनी बार देखा है। और बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4। बच्चों ये वैस्कुलर बंडल हैं। ये क्या है? वैस्कुलर बंडल। देखो टोटल उसने कोई 10-12 हमें वैस्कुलर बंडल दिखाए हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल हैं इनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ये आउटलाइन डायग्राम है और ये सेलुलर डायग्राम है। अगर हम सेलुलर डायग्राम को ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि यहां तो उसने हमें 10-12 वैस्कुलर बंडल दिखाए हैं। ये 10-12 वैस्कुलर बंडल उसने हमें दिखाए हैं, ये वाले। लेकिन जब उसने हमें सेलुलर डायग्राम दिखाया है तो वहां पे हमें उसने एक ही वैस्कुलर बंडल दिखाया है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो वैस्कुलर बंडल में आपको 4 लेयर्स नजर आ रही हैं। क्या नजर आ रही हैं? 4 लेयर्स। ये जाइलम है। ये क्या है? जाइलम। और ऊपर ये जो लाइट ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये फ्लोएम है। तो आपको पता चल गया कि जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये पौधे में हर जगह नहीं पाए जाते, ये इकट्ठे पाए जाते हैं, और जिस जगह पे ये पाए जाते हैं उसे वैस्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल। ओके। कहता कि ये जो वैस्कुलर, ये वैस्कुलर बंडल्स में पाए जाते हैं, और जो और हम जाइलम और फ्लोएम दोनों को वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं, कंडक्टिव टिश्यू कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है। बच्चों आगे जाके हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से प्लांट्स कई प्रकार के होते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनके पास वैस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ये सिर्फ हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। जो टेरिस्टीरियल प्लांट्स हैं, जो मिट्टी में ग्रो करते हैं, रेत में ग्रो करते हैं, उनके सर्वाइवल का जो मेन कारण है वो ये वैस्कुलर टिश्यूज ही हैं, जाइलम एंड फ्लोएम।
फिगर 6.3 देख लेते हैं। फिगर 6.3 में उसने जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं उनकी बात की है, खैर वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम इन दोनों टिश्यूज़ की बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं। कहता है कि जो जाइलम है उसके पास चार एलिमेंट्स हैं, ये आपने नोट्स में भी देखा होगा और इसको लिखा भी होगा, ट्रकीड्स, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये चार प्रकार के सेल हैं जो जाइलम को बनाते हैं। बच्चों ट्रकीड्स एंड बेसल्स इनका काम है कंडक्शन करना, ट्रकीड्स और बेसल्स का काम क्या है, कंडक्शन करना। चलो हम ट्रकीड और बेसल का डायग्राम देख लेते हैं। ये ट्रकीड दिखाया जा रहा है हमें और ये बेसल दिखाई जा रही है, दिस इज द ट्रकीड एंड दिस इज द बेसल, और इनका काम है पानी का, मिनरल का कंडक्शन करना फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड। ये है जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स। और चौथा एलिमेंट क्या था? जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर उसने हमें नहीं दिखाया डायग्राम में, कोई बात नहीं, क्योंकि जाइलम फाइबर का डायग्राम हमें पहले से ही पता है। बच्चों आप मुझे बताओगे कि जाइलम फाइबर का दूसरा नाम क्या है? जाइलम फाइबर का दूसरा नाम है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि मैंने आपको जब स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बताया था तब मैंने कहा था कि जितने भी फाइबर होते हैं पौधे में वो सारे के सारे स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। तो जो जाइलम है उसके चार एलिमेंट हैं, ये आपने नोट्स में भी देखा होगा, इसे याद करना है बच्चों क्योंकि ये अक्सर दो नंबर में पूछा जाता है। कहता है जो सेल्स होते हैं जाइलम के चारों ही प्रकार के, इनकी जो वाल्स हैं वो थिक होती हैं और ज़्यादातर सेल जो हैं वो डेड होते हैं। बच्चों याद रखना, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी तीनों प्रकार के सेल डेड होते हैं। ट्रकीड्स एंड बेसल्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं लंबे लंबे, वो आपने देखे। कहता इनका काम होता है पानी और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना रूट से ऊपर की तरफ। जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोर करता है, पानी का स्टोर करता है और पानी का लेटरल कंडक्शन करता है। लेटरल मतलब साइड वाइज कंडक्शन, साइड वाइज मतलब जो स्टेम है, जो रूट है उसकी पेरीफ्री तक भी पानी पहुंचाना है। और जो फाइबर्स होते हैं जाइलम स्क्लेरेन्काइमा वो सपोर्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों जहाँ कहीं फाइबर होंगे वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ही होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं फ्लोएम की। जो फ्लोएम है उसमें भी चार प्रकार के एलिमेंट्स हैं, सी ट्यूब्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, जो चार एलिमेंट है जाइलम के और जो चार एलिमेंट हैं फ्लोएम के, उनमें दो दो एलिमेंट कॉमन है। वहाँ थे जाइलम फाइबर्स, यहाँ है फ्लोएम फाइबर्स, वहाँ थी जाइलम पैरेन्काइमा और यहाँ है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिर्फ दो दो एलिमेंट इनके अलग अलग हैं, वहाँ थे ट्रकीड्स एंड बेसल्स और यहाँ पे हैं सी ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। ओके चलो बच्चों हम फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करते हैं कि फ्लोएम के एलिमेंट हमें कैसे दिखाई देते हैं। चलिए पहले हम सी ट्यूब देखते हैं। ये रही बच्चों सी ट्यूब, दिस इज सी ट्यूब। ओके जो सीप ट्यूब होती है इसके जो वाल है वो परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब इसकी जो वाल है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि बच्चों जो फूड को कंडक्शन करना है, फूड को कंडक्शन करना करने का काम है फ्लोएम का, और फ्लोएम का जो पार्ट फूड को कंडक्शन करता है वो सीप ट्यूब है। ये सीप ट्यूब्स की जो वाल्स हैं ये परफोरेटेड हैं ताकि जो फूड है जो कि पत्तों ने तैयार किया है वो इनके ज़रिए नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाए और पौधे के जो नॉन ग्रीन पार्ट हैं जो फूड तैयार नहीं कर सकते उन तक पहुंचाया जाए। ओके बच्चों और ये जो आपको सीप ट्यूब्स नज़र आ रही हैं इनकी वाल्स परफोरेटेड हैं और परफोरेटेड वाल्स को सी प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सी प्लेट्स। यहाँ भी सी ट्यूब दिखाई है उसने, यहाँ भी सी ट्यूब दिखाई है। और ये क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या है? ये कॉम्पेनियन सेल है। और जैसे उसने जाइलम फाइबर नहीं दिखाया था वैसे ही उसने जहाँ फ्लोएम फाइबर नहीं दिखाया है। चलो बच्चों
सीव ट्यूब्स की बात तो हमें पता चली गई, ये तो ट्यूबुलर सेल्स हैं, परफोरेटेड वाल्स हैं, और इनका काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। देखो बच्चों, यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ, जो जाइलम होता है उसमें जो पानी और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन जो फ्लोएम होता है उसमें जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो वैसे तो ऊपर से नीचे ही होती है, लेकिन कभी कभी वो नीचे से ऊपर भी हो सकती है। तो जाइलम की जो जाइलम में जो पानी और मिनरल की ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है, और फ्लोएम के केस में जो फूड की मूवमेंट है वो बाईडायरेक्शनल होती है, ऊपर से नीचे भी, नीचे से ऊपर भी। ओके, कहता कि जो फ्लोएम है इसका मेन काम है जो भोजन लीव्स ने तैयार किया है उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे पौधे के जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो फूड तैयार नहीं कर सकते उन तक पहुंचाना। जाइलम के केस में बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग थे, बाकी सारे डेड। फ्लोएम के केस में बच्चों, सिर्फ फ्लोएम फाइबर ही डेड होते हैं और बाकी तीनों लिविंग होते हैं। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में जब कभी मिलेंगे तो हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।